ए भौजी सुना, अरे बता में हरीरा खाई के 10,000 है। अजय रंगीलावा गलत कमेंट करे वालन के बहिनी के भतार है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम का छोड़ भैया जरंगीला, सभी के स्वागत करते हैं अपने ही चैनल जरंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में। तो भैया सबसे पहले आप लोग ही सोचे धोबा गए जरंगीला भैया का है नंग है एकदम वीडियो बनाओ, तो हम शायद आप लोग बहुत बढ़िया सोचे धोबा नीचे भी नंग है, शायद नीचे वाला पार्ट हम उनके दिखाई जेके बुरा लगता और ऊपर वाला पार्ट होके दिखाई जे हमारे भाई देखा है वो कहे कि नहीं हाँ भाई हम मर्द है कि ना मर्द है, कहे से बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन खातिर उनके सीना खोले पड़ल है। अब बाकी भैया 36 इंच बा कि 32 इंच बा आप लोग देख के यहाँ अंदाजा लगा सकत हवा। शायद साड़ी में लोग सोचा लगे नहीं कुछ और बा, लेकिन माई बहनी दीदी लोगों ने आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करो कि आप लोग गलत मत समझिया, लेकिन हम कहा जब तक ना तब तक बिलोरन के समझ में नहीं आई। शायद साड़ी पहले के लोग को लगा लगे नहीं हो कुछ और बा, लेकिन देख ला चाहे 36 हो चाहे 32 हो, बाकी मेहरारू को छोड़ा के मेहरारू तो मेहरारू हो गए हो, बाकी हम बने लगल है तो हम लोग वह समझता, लेकिन चला जवन भी समझता पहले आगे के बात करल जाए कि जब से हम वीडियो डाल कर देले है कि अगर हमरे पे क्यों गलत कमेंट करी, अरे रुका राजू कि हम को देनी हमार मेहरू हम के खो दे दिया, तो भैया हम वीडियो बना के बोल दिला नहीं कि जे भी हमके गलत कही वो ये तो हमके जीजा बनाई या तो अपने बहन के भतार बनाई। तो कुछ लोगों के बहुत बुरा लगल है तब ना मानत हवन, शायद लगत है वो अपन बनाओ पर लगल हो तब ऐसे ऐसे कमेंट एक दू ठे आई वैसन। आ एगो भाई हमार हवन कहे से कि देखा वो हमारे क्षेत्र के कलाकार हो, अरे रुका मर दवा एक मिनट, तो एगो हमारे हमारे क्षेत्र के आजमगढ़ के भाई हवन, बहुत अच्छा गायक भी हवन और शायद हमारे को गाना वायरल हो रहा है समोसवा खिया था मूलचंद के समोसवा खिया था 2 आप लोग यूट्यूब सर्च मर पाते मिली यूट्यूब पे, तो वो भी उठाकर अपना वही मतलब वही सिचुएशन उठाकर अपना भी गाया था अपने क्षेत्र का। तो यार हमने जब वो उनका कमेंट पढ़ा तो मैंने पहले उनको देखा पूरा बायोडाटा देखा कौन इंसान है कौन नहीं, देखा तो हमारा भाई था कि यार भैया आप अरे तरे कारे ऐसे लिख ले हवा भैया इस शोभा ना दिला, आप तो अपने जिला का राजू आप गांव भरे हो के अगर ऐसे कहबा तो बेलुरवा से बहुत कुछ कही है। तो शायद यही के पार्ट में हम कुछ कहा चाहता नहीं कि एगो बेलुरवा हमारे लगे फोन करे सर और तब हमके आई खोल के शरीर दिखाओ के बोल, वो बोला है कि कर हिजड़वा कारे सबके बहन के भातार बनता रे हे बनता रे हाउ बनता रे सर हिजड़ा आवे तो मऊबा आवे छक्का आवे हाई आवे आओ आओ बहुत बोल रहा सर, बाकी हम नया नंबर से कॉल उठाई लेना लेकिन गलती से उठा लेनी है। तो भैया इतना सुने के बोल तो हम कहें ठीक बा चल रे भैया हम हिजड़ा आई मऊबा आई, लेकिन तोरे दीदी का आई खोल के दिखा दे कि तोरे दीदी भी दे आई इतना बड़ा सीना छाती और हिजड़ा, देख हिजड़ा वाली बात कर ले तू लोगों के प्रकृति भगवान ही वैसा बनैले हवन कि शायद वो लोग दोनों सिचुएशन से पैदा होने मतलब आधा ऊ पाठ में आधा ऊ पाठ में, लेकिन ये जवन पाठ देखत हवा ना हत्ता हत्ता है छाती है चापक तरह दीदी के लेके ना तो एकदम निपुर जेबा जितना तू बोलत हवा ना शायद हमारे मेहरारू से पूछला हमारे बारे में। अभी तो हम लगभग 92 किलो रहनी है, अभी घट के हम हो गए सीधे 85 किलो, अभी तो 5-7 किलो के वेट खत्म भइल बा। आ शायद हम तोरे तारे दीदी के चक्कर में हम अगर ढेर खाए लगनी बा उन्हें तो जान ले कि तुहार भलाई नहीं खेबा, तार दीदी के 6-6 महीना में हम डबल डबल लड़का हो खवाई समझला, अरे बका तो हमारे मेहरारू है ना सुन भी के सुनी। अच्छा वो का करे कहले से पूछ का कहले से हम हिजड़ा दिखाते हैं तो लगा था हिजड़ा दिखा तू बता दे खाली तो तू बता दा कैसे ले हमारे मेहरारू से पूछ ले हमारे मेहरारू प्रूफ दे कहा से जे हमारे दिन रात हमारे लगे रह जे हमके सरव अगर हम हिजड़ा मगर रहती तो हमके जाए दे एक मिनट देखा देखा मेहरातिया तो एक घंटा मतलब एक मतलब है बात कि बिया ना होता। अच्छा ये बतावा तुम्हें कैसा लगा था हमके पाई के? अच्छा लगा था। अच्छा लगा था कोनो कमी ना? अब देख ला जब हमारे मेहरारू साहब लोग ना कह दिए कोनो कमी तो थोल उनके गाने में काहे मरचा लगा था काहे भबा था आ काहे अपन बहन हमके बियाह पे लगल बा जान तो बा पैसा देखो हमर मेहरारू भी कह देले कि तो लोग अपन जीजा बनावे चाहता है जे गलत गलत कमेंट कर गलत कमेंट कर ना बनावे ना ते ना तो देखा हमारे मेरा अच्छा हम अच्छा इनके सुना जे गलत कमेंट करा था अगर हम कोई दीदी के लेके आए तो कोनो दिक्कत काहे ना बहुत दिक्कत काहे कौन दिक्कत अच्छा मेरे साथ तू दूसरे के अरे बाप रे देख भैया ये नहु चाहत है कि मतलब गलत कमेंट मत कर दीदी के मत अपने लगे मतलब ये चाहता नहीं कि का पता शायद हर दीदी से हम भी यहाँ कह लें कहे सन की मूड कहीं थोड़ी से तो शायद अब जानत हवा कि बचपना छोड़ देने तेकर मतलब बिना साड़ी पहन लेनी तेकर मतलब बिना हक मेहरारू हो गई ठीक हो। अब बाकी चाहे जवान समझा किरदार बाबू रे जवाना में बहुत कुछ करे पड़ेला
आई मैं समझ आता नहीं कि अगर हम इतनी तो कहा था साड़ी 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 हिजड़ा मगुआ छक्का कहा था ना, अगर ये छक्का एक घंटा नाच दे आ तू अपने घर भर अपन दीदी बहिनी फुआ मौसी सबके नचा लिया, अगर एक घंटा हमारे संगे टिक गई ना तो जवन कहब तवन ठीक बा, जवन कहब तवन कब साड़ी छोड़ देवे के तो साड़ी पहने हम छोड़ दे, कब बियाह करे के तोरे दीदी से तंग तोरे दीदी से बियाह ना करे, लेकिन ये चीज मत कह कि भैया हम ही बनी एक अरे एक घंटा के छोड़ दे दस मिनट ना टिक पाई है चाय थे स्टेप मरवाई अपन देसी वाला ना तो नीचे से फेंक लगे लाल लाल समझला समझ तो ना तो बस उतने कहवा कि ज्यादा कुछ मत बोलवावा ठीक बा। तो भैया ये वीडियो खाली बेलूरन भी दे रहा है जो बोलत रहना असर नेक्स्ट वीडियो में बहुत बड़ा बात करे वाला वानी कहाँ से हम थक गल हई और जाए तो भैया जवन होता हो दा आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए हम का कह कहे से कि दिल के बात कह और एकदम बढ़िया से कह आप लोग सोचिया समझिया जरूर असा जवन तोनी के दिक्कत होता यही से तोनी के दिक्कत हो खत्म हो जाए। तो थैंक यू लव यू बाय बाय और गलत कमेंट मत करिए कहाँ से गलत कमेंट करवा तो तारन के बहन के भाता लगब अभिन भी कहते हैं तहल उनके जीजा लगब आई तोहर दीदी हम तोहर जीजा बाकी समझला अभी तो हम तोरे ओरिजिनल की दीदी के ना कह दी डुप्लीकेट दीदी कह दी कि तोहर दीदी लगी है बाकी ओरिजिनल की भेटा जी है तो बहुत कुछ हो जाए तो चला यहीं से गलत कमेंट कर बंद कर दिया। थैंक यू लव यू और हमारे जो भी भाई बहनी चाची बास अगर बुरा लगल हो तो माफ करिए कहे से कि कुकुरन के बोलब ना तो कुकुर ऐसे जब पोछ हिलौता रही है कुकुरे के दुम में कब सही ना होला जब तक ओकरे गाड़ी पे लाठी ना पड़ला तो वही बात बा कि चोरे के गाड़ी पे जब तक लाठी ना पड़ी तब तक वो चोरी कर छोड़ी ना फिलहाल उ साला चोर तो है ही है बाकी चली जाए थी। हाँ सही कह दे सारे के दाम मारेंगे ना सारे सारे तो जूता से मारेंगे चाहिए तो चलिए वीडियो बहुत लंबा होता है। थैंक यू लव यू बाय बाय मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्यार से आशीर्वाद दीजिए।